मुश्किल कुशा खुदा आए सजदा कराम लोगों बिन रब दे सिवा आए। और बड़ा प्यारा जुमला नखनु अकरबु इलैही मिन कबलिल वरीदे नखनु अकरबु इलैही मिन कबलिल वरीदे हाले बिलब दसीड़ी बंदा बड़ा जीबे पल्ला दस गा उसको वद के तेरे केड़ा करीबे दुखियां बीमार दाओ दुखियां बीमार दाओ कल्ला ई आसराए आज दरवा खुदाए मुश्किल कुशा कौन है इको अल्लाह है कौन है। हजरत जी अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी आए ने इस पिंड च बाबा जी अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी उन्होंने प्यारी हर जगह से उन्होंने कहना अब्दुल्ला नु तुही दियां आयतां हुज्जां पईयां मार दियां ने। हजरत ए गल मुक गई जे साडे भाबी भी हुण गोल मोल होण लग पए ने। दुआ करो अगर अल्लाह पाक इस मिंबर अता करे ते तौहीद दी गैरत भी अता करे। ए तौहीद बयान करना हर जुर्रतमंद का काम नहीं जे और अल्लाह दी रहमत दे नाल भाई अताउर रहमान मौजूद ने मेरे रफी के सफर कोई जलसा कोई बयान ऐसा नहीं जिदे अंदर मैं तौहीद दा ललकारा नहीं देंदा तौहीद दी पुकार बुलंद नहीं करदा। ए वाखद ओ अमल है जिदी वजह तो अल्लाह इज्जत भी देंदा है अल्लाह मरण तो बाद नाम भी उच्चा कर देंदा है। वेखो हजरत किथे अब्दुल्ला शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह कबर च लेटे ने अज मैं उन्होंने याद किया है उन्होंने के शेरां की वजह तो नहीं तौहीद की गैरत की वजह तो याद किया है कि उन्होंने कहना कि मखलूक को सजदा किया गै न करेंगे और मखलूक को सजदा न किया गै न करेंगे ये जुल्म गवारा न किया है ना करेंगे जुर्रत वेखांगा जुर्रत वेखांगा वे मखलूक को सजदा न किया गै न करेंगे ये जुल्म गवारा किया गै न करेंगे वे बश मखलूक को सजदा है तौहीन बशर की सर खम कभी अपना किया गै न करेंगे ते पढ़ना ना कुरान पाक पढ़ना इन अल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा पढ़ना कुरान पाक वल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबी व शहादती वर रहमा नुर रही। ओ कुरान नाल प्यार हजरत जिहड़ा दीन आला हुंदा है ना बड़ी वड्डी एक गल करन लगा। वैसे मेरा दिल तो अज करदा सी कि मैं अजम ते कुरान ते गल करदा लेकिन चूंकि मेरे जुम्मे उनवान लगा दिता गया है इंशाल्लाह उधार रह गया ये तो मैं बड़ा मैनू मजा आंदा है जो मैं अजम ते कुरान की गल करना ना मेरा एक शौक है जोक है। और अल्लाह की रहमत नाल हजरत वो कोई होर होणगे मैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी असी अपने आप नू फखर ना किया है कि मैं एक मौलवी हाँ। लोग डरते ने क्योंकि मौलवी के लफज नू ऐब बना दिता गया है। अल्लाह की रहमत नाल मैं हर जगह से फखर नाल कहना जिथे को मौलवी के खिलाफ गल कर रहा हो मैं खड़ा हो कहना भाई मैं मौलवी हाँ। किसी पीड़ित दसे मैं मौलवी हाँ
मौलवी ऐब नहीं, मौलवी एजाज है। मिलके बोलो मौलवी एजाज है। और एक पैगाम पूरे इलाके गली गली नगर नगर पहुंचा दियो, मौलवी ऐब नहीं, मौलवी एजाद है, मौलवी एजाद है, मौलवी तेरा वकील है, मौलवी तेरा खतीब है, मौलवी तेरा इमाम है, मौलवी तेरा सिफारशी है। अगर मौलवी मुतेनो पता नहीं, मौलवी दे अंबिया दे वारस ने, अगर एक कम मौलवी ना कर दे ते एक कम नबी कर दे। ये काम नबी होना, वो मिलके बोलो नबी होना। अल्लाह ने ये वारस उलामा नू बनाया है, ते मुस्तफा दी हदीस है, जिहड़ा मौलवियां दी इज्जत नहीं करदा, मुस्तफा ने फरमाया मेरी इज्जत नहीं करदा। आइए गौर कीजिए, बापू ना निकल जाए, मैं जिहड़ी गल कर रहा ना, फरमाया बंदा उमरे दी नीयत करदा ना, इहराम दी हालत अंदर जगा